वेल सो यो सब गाइस, सब लोग वेलकम बैक टू चैनल। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने कोरियन नूडल्स ब्लैक वाले मंगवाए थे, इसमें मैंने रेड वाले मंगवाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनको खोल कर देखते हैं। यहाँ पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है, तो ये हम कट करते हैं अभी इसको सीजर्स के साथ। ये हमने कट कर लिया। इसके अंदर हमें बहुत से नूडल्स मिले हैं और दो मसाले के पैक मिले हैं, एक है लिक्विड मसाला और एक है पेपर मसाला। ये बहुत ही बड़े पैक्स हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी हैं। तो अभी हम लोग पानी इसमें डालते हैं, फिर पानी को बॉईल करेंगे, क्योंकि फिर पानी अगर बॉईल हो नहीं होगा तो फिर नूडल्स कैसे पकेंगे। इसलिए हम पहले पानी को थोड़ी देर बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर नूडल्स को अंदर डालेंगे और पकाएँगे। तो गाइस, हम डालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला मसाला डालते हैं, लिक्विड मसाला। तो इसको कर लेते हैं कट, इसको डालते हैं। सारा डालेंगे, ये हमने डाल दिया। उसके बाद अब ये डालेंगे पाउडर मसाला, इसको भी कट कर लेते हैं। तो अभी इसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। कैसे भी हम इसको कर लेते हैं मिक्स, फोक ले लेंगे। तो कैसे भी टेस्ट करते हैं। गाइस ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, ये उससे 2x नहीं 4x स्पाइसी हैं। गाइस मुझसे नहीं खाए जाएंगे, अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं, मुझे नहीं खाए गए, फिर मैं रख दूँगा। तो गाइस आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये आप ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं। जो से हमने पहले ब्लैक रेमन नूडल्स खाए थे वो मतलब कि बंदे से खाए जाते हैं, बट ये नहीं, ये उससे भी 2x स्पाइसी हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।